झारखंड के साहिबगंज जिले में काफी दिनों से बाइक चोरी होने का मामला काफी तादाद में देखने को मिल रहा है। कई बार पुलिस प्रशासन को चोरी की बाइक भी बरामद हुई है, साथ ही चोरों को भी दबोचा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी बाइक चोर गिरोह साहिबगंज जिले के कई क्षेत्रों में सक्रिय देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में साहिबगंज जिले के राधानगर पुलिस ने एक बार फिर बाइक चोर गिरोह के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसकी जानकारी देते हुए राजमहल डीएसपी यज्ञनारायण तिवारी ने बताया कि राधानगर थाना प्रभारी राकेश कुमार के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था, तभी एक बिना नंबर प्लेट की एक बाइक पर सवार चालक ने पुलिस को देखते ही वहां से भागने लगा, जिसके बाद शक के आधार पर थाना प्रभारी ने पीछा करते हुए उस बाइक चालक को पकड़ा और बाइक से संबंधित कागजात की मांग की गई। वहीं चालक कागजात दिखाने में असमर्थ दिखा। वहीं पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद बाइक चालक ने अपना नाम हाबिल शेख बताया और उसने पुलिस को बताया कि यह बाइक चोरी की है, जिसके बाद थाना प्रभारी ने बाइक को जब्त करते हुए चालक हाबिल शेख को गिरफ्तार कर थाना ले आई और कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपने सरगना के एक और शख्स का नाम बताया, जिसका नाम कृष्ण मंडल था, जिसके बाद पुलिस ने उसके बताए निशानदेही से कृष्ण मंडल के घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। साथ ही कृष्ण मंडल के घर से 3 बाइक भी बरामद किया गया। वहीं कई अन्य ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी कर चोरी के कुल 7 बाइक को जब्त किया है। डीएसपी ने बताया कि राधानगर थाने में मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोनों गिरफ्तार चोरों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 21/1/2023 को सुबह थाना प्रभारी राकेश कुमार राधानगर गश्ती में थे। गश्ती के दौरान इनके द्वारा बाइक का भी चेकिंग किया जा रहा था। एक मोटरसाइकिल बिना नंबर का देखा गया इनके द्वारा शांति मोड़ के पास। उस मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो भागने लगा, जिसे पीछा करके पकड़ा गया और पकड़ करके उससे पूछताछ की गई तो वो अपना नाम हाबिल से बताया और पूछताछ के क्रम में ही बताया गया कि ये इनके द्वारा जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल है चोरी की है। और फिर इसके आधार पर ये थाना ला करके जब फिर पूछताछ की तो उनके द्वारा हाबिल से द्वारा बताया गया कि इनके घर में भी 3 मोटरसाइकिल है और एक जो कृष्णा मंडल है, कृष्णा मंडल के इनका जो सहकर्मी है उसके पास भी 3 मोटरसाइकिल है। इसके आधार पर थाना प्रभारी द्वारा कुल 7 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया जो चोरी की पाई गई और इसका जो सरगना है उसके बारे में भी अभी पता किया जा रहा है। इस संबंध में राधानगर थाना में कांड दर्ज कर दिया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। आगे जो बात तथ्य उभर करके आएगा, सरगना का पता चलेगा कि और कितने लोग इसमें संलग्न है, उन्हें की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कहना मुश्किल है कि ये लोग बाइक चोरी करके कहाँ ले जाते हैं। ज़्यादातर बंगाल बॉर्डर पर पड़ता है, गंगा पार करके बंगाल भी चल जाते हैं और कुछ बाइक बांग्लादेश भी ये ले जाते होंगे, लेकिन अभी तक इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि ये बांग्लादेश ले जा रहे हैं।